एक विचित्र गांव में संत कबीर को जिज्ञासु मन और दयालु हृदय वाले बच्चे के रूप में चित्रित किया गया है। प्रकृति से मुठभेड़। कबीर अक्सर जानवरों और पौधों के साथ बातचीत करते हैं, सद्भाव और परस्पर जुड़ाव के बारे में सबक सीखते हैं। ज्ञान की खोज। जैसे जैसे वह बड़ा होता है, कबीर विभिन्न गुरुओं और धार्मिक शिक्षकों से ज्ञान की तलाश करता है। हालांकि वह असंतुष्ट रहता है और एक गहन सत्य की तलाश करता है, सामाजिक मानदंडों को चुनौती देना। कबीर सामाजिक विभाजन और अन्याय पर सवाल उठाते हैं, सभी प्राणियों के लिए समानता और प्रेम की वकालत करते हैं। रहस्यमय अनुभव। ध्यान और चिंतन के माध्यम से कबीर गहन अंतर्दृष्टि और रहस्यमय दर्शन का अनुभव करते हैं। दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देना। वह सरल लेकिन गहन दृष्टांतों के माध्यम से अपना ज्ञान साझा करते हैं, जो ग्रामीणों और यात्रियों के दिलों को छूते हैं। संघर्ष और समाधान। कबीर को रूढ़िवादी नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह धैर्य, विनम्रता और अहिंसा के साथ जवाब देते हैं। प्रेम की विरासत। चुनौतियों का सामना करने के बावजूद कबीर की शिक्षाएं दूर दूर तक फैली, जिससे आने वाली पीढ़ियों को प्रेम, करुणा और आध्यात्मिक मुक्ति के संदेश मिले। निष्कर्ष। कार्टून के अंत में कबीर को एक बूढ़े आर्षी के रूप में दिखाया गया है, जो शिष्यों से घिरे हुए हैं और मानवता के लिए अपने शाश्वत ज्ञान और प्रेम का प्रसार करना जारी रखते हैं। इस कार्टून का उद्देश्य कबीर की शिक्षाओं के सार को सभी उम्र के दर्शकों के लिए आकर्षक और सुलभ प्रारूप में प्रस्तुत करना है।